पतरस की पहली पत्री अध्याय एक। पतरस की ओर से जो यीशु मसीह का प्रेरित है, उन परदेशियों के नाम जो पुंतुस, गलतिया, कप्पतुकिया, आसिया और बेतुनिया में तितर बितर होकर रहते हैं और परमेश्वर पिता के भविष्य ज्ञान के अनुसार आत्मा के पवित्र करने के द्वारा आज्ञा मानने और यीशु मसीह के लहू के छिड़के जाने के लिए चुने गए हैं, तुम्हें अत्यंत अनुग्रह और शांति मिलती रहे। हमारे प्रभु यीशु मसीह के परमेश्वर और पिता का धन्यवाद हो, जिसने यीशु मसीह के मरे हुओं में से जी उठने के द्वारा अपनी बड़ी दया से हमें जीवित आशा के लिए नया जन्म दिया, अर्थात एक अविनाशी और निर्मल और अजर मीरास के लिए जो तुम्हारे लिए स्वर्ग में रखी है, जिसकी रक्षा परमेश्वर के सामर्थ्य से विश्वास के द्वारा उस उद्धार के लिए जो आने वाले समय में प्रकट होने वाली है की जाती है। और इस कारण तुम मगन होते हो, यद्यपि अवश्य है कि अब कुछ दिन तक नाना प्रकार की परीक्षाओं के कारण उदास हो। ये इसलिए है कि तुम्हारा परखा हुआ विश्वास, जो आग से सताए हुए नाशमान सोने से भी कहीं अधिक बहुमूल्य है, यीशु मसीह के प्रकट होने पर प्रशंसा और महिमा और आदर का कारण ठहरे। उससे तुम बिन देखे प्रेम रखते हो और अब तो उस पर बिन देखे भी विश्वास करके ऐसे आनंदित और मगन होते हो जो वर्णन से बाहर और महिमा से भरा हुआ है, और अपने विश्वास का प्रतिफल अर्थात आत्माओं का उद्धार प्राप्त करते हो। इसी उद्धार के विषय में उन भविष्यद्वक्ताओं ने बहुत ढूंढ ढांड और जांच पड़ताल की, जिन्होंने उस अनुग्रह के विषय में जो तुम पर होने को था भविष्यवाणी की थी। उन्होंने इस बात की खोज की कि मसीह की आत्मा जो उनमें था और पहले ही से मसीह के दुखों की और उनके बाद होने वाली महिमा की गवाही देता था, वो कौन से और कैसे समय की ओर संकेत करता था। उन पर ये प्रकट किया गया कि वो अपनी नहीं वरन तुम्हारी सेवा के लिए ये बातें कहा करते थे, जिनका समाचार अब तुम्हें उनके द्वारा मिला, जिन्होंने पवित्र आत्मा के द्वारा जो स्वर्ग से भेजा गया तुम्हें सुसमाचार सुनाया, और इन बातों को स्वर्गदूत भी ध्यान से देखने की लालसा रखते हैं। इस कारण अपनी अपनी बुद्धि की कमर बांध कर और सचेत रहकर उस अनुग्रह की पूरी आशा रखो जो यीशु मसीह के प्रकट होने के समय तुम्हें मिलने वाला है। और आज्ञाकारी बालकों की नाई अपनी अज्ञानता के समय की पुरानी अभिलाषाओं के सादृश्य न बनो, पर जैसा तुम्हारा बुलाने वाला पवित्र है, वैसे ही तुम भी अपने सारे चाल चलन में पवित्र बनो, क्योंकि लिखा है, पवित्र बनो क्योंकि मैं पवित्र हूं। जबकि तुम हे पिता कहकर उससे प्रार्थना करते हो, जो बिना पक्षपात हरेक के काम के अनुसार न्याय करता है, तो अपने परदेशी होने का समय भय से बिताओ, क्योंकि तुम जानते हो कि तुम्हारा निकम्मा चाल चलन जो बाप दादों से चला आता है, उससे तुम्हारा छुटकारा चांदी सोने अर्थात नाशमान वस्तुओं के द्वारा नहीं हुआ, पर निर्दोष और निष्कलंक मेमने अर्थात मसीह के बहुमूल्य लहू के द्वारा हुआ। उसका ज्ञान तो जगत की उत्पत्ति के पहले ही से जाना गया था, पर अब इस अंतिम युग में तुम्हारे लिए प्रकट हुआ, जो उसके द्वारा उस परमेश्वर पर विश्वास करते हो, जिसने उसे मरे हुओं में से जिलाया और महिमा दी, कि तुम्हारा विश्वास और आशा परमेश्वर पर हो। सो जब के तुमने भाईचारे की निष्कपट प्रीति के निमित्त सत्य के मानने से अपने मनों को पवित्र किया है, तो तन मन लगाकर एक दूसरे से अधिक प्रेम रखो, क्योंकि तुमने
नाशमान नहीं पर अविनाशी बीज से परमेश्वर के जीवते और सदा ठहरने वाले वचन के द्वारा नया जन्म पाया है। हर एक प्राणी घास की नाई है और उसकी सारी शोभा घास के फूल की नाई है। घास सूख जाती है और फूल झड़ जाता है, परंतु प्रभु का वचन युगानुयुग स्थिर रहेगा। ये वही सुसमाचार का वचन है जो तुम्हें सुनाया गया था।